सात पदार्थ है, वैशेषिक दर्शन में सात पदार्थ होते हैं। शामदेव म्यूट करो, है म्यूट करो, नहीं म्यूट नहीं है, म्यूट है, आवाज़ क्यों आ रही है। तो वैशेषिक दर्शन में सात पदार्थ है और न्याय दर्शन में 16 पदार्थ है। तो 16 पदार्थों का अंतर्भाव सात पदार्थ में होता है, सात पदार्थ में हो जाता है। तो ये जो कह दिया द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव सप्त पदार्था, ये सप्त शब्द क्यों कह दिया, इसके ऊपर शंका हुई। ये शक्ति एक पदार्थ है, शक्ति एक पदार्थ है, दाहक्या के प्रति शक्ति कारण है, अन्य व्यतिरिक सहचार से सिद्ध किया गया कारण सत्वे कार्य सत्वम, ये होता है अन्य सहचार। आप लोग जानते हो तत्सत्वे तत्सत्वम इति अन्वय, क्या है आप लोग सब लोग बोलिए, तत्सत्वे तत्सत्वम इति अन्वय। ठीक है, और तदभावे तदभाव इति व्यतिरेक, बोलो तदभावे कारण न होने पर कार्य नहीं होगा, जैसे मृत्तिका सत्वे घट सत्वम, ये हो गया अन्वय। मृत्तिका सत्व का तात्पर्य सभी कारण रहते हुए, दंड चक्र आदि कुलाल आदि रहते हुए मृत्तिका यदि हो तो घट हो। केवल मृत्तिका सत्व का तात्पर्य ऐसा नहीं केवल मिट्टी रहने से, बाकी कारण रहते हुए सहकारी कारण रहते हुए यदि मृत्तिका हो तो घट होगा, ये होगा अन्न सहचार। और तद अभावे मतलब मृत्तिका अभावे घटाभाव, ये होता है व्यतिरिक्त संचार, इसीलिए घट के प्रति मृत्तिका कारण होता है, ये होता है नियम। अन्य व्यतिरिक्त संचार के द्वारा कार्य कारण भाव का निश्चय किया जाता है, जैसे मृत्तिका घट में हुआ कार्य कारण भाव, इसी प्रकार से पूर्व पक्ष ने कह दिया भाई, हाँ ये कह दिया कि बढ़ने की शक्ति हो तो जो है दाह क्रिया होगी, है ना, और बनने की शक्ति ना हो तो दाह क्रिया नहीं होगी। कैसे, जैसे बढ़ने का संयोग हुआ ईंधन के साथ, लेकिन वहां पर ये चंद्रकांत मणि को रख देंगे तो शक्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए दाह क्रिया नहीं होती, लकड़ी को नहीं जला सकती बढ़नी, क्योंकि चंद्रकांत मणि आ गई प्रतिबंधक है। और यदि चंद्रकांत मणि न हो तो बढ़नी में शक्ति होती है, इसलिए बढ़नी की शक्ति होने पर दाह क्रिया होती है, इसलिए दाह क्रिया के प्रति बढ़नी की शक्ति कारण हो जाएगी, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। इसलिए शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है, शक्ति जब अतिरिक्त पदार्थ है तो आपने सप्त पदार्थ कैसे कहा, आठ होना चाहिए, अष्ट पदार्थ कहना चाहिए। ऐसी शंका होने पर कह दिया कि बन्ही की शक्ति ये तो बन्ही का स्वरूप है, बन्ही की शक्ति बन्ही से भिन्न नहीं है। और जो मणि का आपने दृष्टांत दिया भाई, चंद्रकांत मणि तो प्रतिबंधक है, फिर चंद्रकांत मणि का अभाव हो तो दाह क्रिया होगी, समझ कर रखो। जैसे दाह क्रिया के प्रति बन्ही कारण है, इसी प्रकार से दाह क्रिया के प्रति चंद्रकांत मणि का अभाव ये भी कारण होगा। समझ में आ रहा सबको, नहीं आ रहा तो पूछ लीजिएगा। जैसे दाह क्रिया के प्रति बन्ही कारण है, इसी प्रकार से दाह क्रिया के प्रति चंद्रकांत मणि का अभाव वो भी कारण हो जाएगा, क्योंकि प्रतिबंधक के अभाव को भी
साधारण कारण माना जाता है न्याय दर्शन में। कल आप लोगों को बतलाया इस तज्ञान यत्ने छा कालो दृष्टम दिगेव च प्राग प्रतिबंध का भाव कार्य साधारण स्मृता। ये सकल कार्यत्वावचिन्न कार्य के प्रति मतलब सकल कार्य संसार में कोई भी कार्य हो तो ये कारण होंगे, ये साधारण कारण होंगे। ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की कृति, कितने हुए? चार हुए हैं। और काल अदृष्ट, चार दो छह हो गए। और प्रागभाव और प्रतिबंध का अभाव, कितने हो गए? छह दो आठ। ये आठ जो होते हैं सकल कार्य के प्रति कारण हो जाएगा, है हाँ, ये समझ लो। जैसे घट ले लो दृष्टांत के आधार पर, है तो घट के प्रति जैसे मिट्टी कारण है ना, इसी प्रकार ईश्वर भी होगा। ईश्वर न हो तो कहाँ बनेगा? घट नहीं बन सकता है, ईश्वर की शक्ति न हो तो कहाँ से बनेगा ये घट? ईश्वर है, ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर जानता है, तब तो घट बन सकता, नहीं तो कैसे बनेगा? हाँ, ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की कृति है, ये सब कारण हो जाएंगे। काल भी है, कोई ना कोई काल हो तो घट बनेगा, नहीं तो घट कहाँ से बनेगा? हैं, इसी प्रकार जो धर्माधर्म होता है, जीव का धर्माधर्म, ईश्वर का धर्माधर्म तो नहीं है। हैं, जो घड़ा बन रहा है, घड़ा बना है, घड़ा बना मान लीजिए बिहार में, और वही घड़ा आकर के आपको मिला मेरठ में तो आप घड़े में जल भरते हो तो आपका बड़ा सुख होता है, ठंडा जल पीते हो। इसलिए घट जो बन गया इसमें आपका धर्म, आपका धर्म भी कारण हो जाएगा। और जिस जो घट को देख करके दुखी होता है, घट को देख करके जो दुखी होता है, तो उनको जो दुख हुआ ना, दुख का हेतु क्या होगा? पाप। दुख का हेतु पाप, इसलिए ये जो पाप हुआ, जिसको दुख हो रहा है उनका पाप ही है, इसलिए पाप भी हो जाएगा घट के प्रति कारण। किसी का धर्म के प्रति हो जाएगा, किसी का अधर्म के प्रति, धर्म है ना, हाँ ऐसा होता है, ठीक है। ये तो इसलिए नैया के लोग बोलते हैं, सुनो ठीक से, जैसे घट बन रहा है बिहार में, और आपको घट मिल रहा है मेरठ में, हैं, तो आपका धर्माधर्म मेरठ में है कि बिहार में है? क्यों रामेश्वर, क्यों आपका धर्माधर्म बिहार में है कि जो मेरठ में है? नहीं, जो मेरठ में, मेरठ में कोई है अभी? नहीं, मेरठ वाला कोई है अब नहीं ना, तो चलो सुन लो फिर। इसी को लेकर के नैयायिक लोग आत्मा को व्यापक मानते हैं, क्योंकि एकाधिकरण एवं कार्यकरण भाव, एक अधिकरण में कार्यकरण भाव होता है। घट जहाँ पर बना, बिहार में घट बना, इसलिए आपका धर्माधर्म भी वहाँ पर रहेगा, तो धर्माधर्म रहेगा तो आत्मा भी रहेगा वहाँ पर, है कि नहीं? ऐसा मानते हो लोग, इसलिए आत्मा की व्यापकता को नैयायिक लोग सिद्ध करते हैं। चलो, तो ये जो है, और प्रागभाव, घट का प्रागभाव, मिट्टी में घट का प्रागभाव रहेगा, इसलिए घट घट के प्रति जो घट का प्रागभाव है वो भी कारण हो जाएगा। और प्रतिबंधक का अभाव, प्रतिबंधक न हो तब तक घट बनेगा, हाँ ये समझ लो, इंडिया में मानते हैं सब। इसलिए हाँ जी बोलिए, कहाँ पर श्लोक मैंने दिखा? प्राग प्रतिबंध का भावों का ना, प्राग अभाव को, अभाव का शब्द दोनों मान्य हो जाएगा, प्राग अभाव। नहीं नहीं नहीं, कालो दृष्टम दी के बच, हाँ दिशा भी है, हाँ दिशा भी है, मैंने बोलना छोड़ दिया, दिशा भी है, दिशा भी होता है, किसी ना किसी दिशा में तो घट उत्पन्न होगा, ना हो जाएंगे फिर, है ना, हो जाएंगे, दिशा भी है। तो चलो,
ठीक है, वन्य कारण है क्या भाई? बन्नी जैसे कारण है इसी प्रकार प्रतिबंधक का अभाव भी कारण है। हाँ, जैसे बन्नी कारण है इसी प्रकार चंद्रकांत मणि का अभाव, चंद्रकांत मणि का अभाव, चंद्रकांत मणि हो तो कहाँ धा क्रिया होगी, नहीं ना होगी। चंद्रकांत मणि का अभाव होना चाहिए कि नहीं? चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक है कि नहीं? दाह क्रिया नहीं होने देगा वो। ये चंद्रकांत मणि का अभाव हो तो दाह क्रिया होगी, ये कहना है। आप समझ में ना? चलो ये नया सिद्धांत है। चलो कह रहे हैं इसलिए पंक्ति लगाओ है, मणि है प्रतिबंधकत्व ना, मिलेगी नहीं सबको, मिली न्याय बोधनी चल रही है। हाँ, मणि है प्रतिबंधकत्व ना, मणि तो भाई प्रतिबंधक है, कौन सी मणि? चंद्रकांत मणि। मणि है प्रतिबंधकत्व ना, इसलिए क्या हो गया? मन्या भावस्य कारणत्व नैव निर्वाहे, इसलिए चंद्रकांत मणि का अभाव वो तो कारण है, उसको कारण मानने से ही हैं निर्वाह हो गया बस। इसलिए क्या हो गया? मणि समवधान असमवधानाभ्याम। आ तुम बोलो कहते हो शक्ति शक्ति हैं, बन्ही में एक शक्ति है, बन्ही में क्या है? शक्ति की कल्पना करते हो तुम, अतिरिक्त कल्पना करते हो। वो कहते हैं कि शक्ति को यदि अतिरिक्त कल्पना करेंगे तो गौरव दोष होगा। क्या होगा? गौरव दोष हो जाएगा भाई। ये कह रहे देखो, मणि समवधान असमवधानाभ्याम, मणि रखेंगे पास में तो शक्ति नष्ट हो जाएगी कह रहे हो। बन्ही के पास इस चंद्रकांत मणि को रख देंगे तो जो बन्ही में जो शक्ति थी दाह क्रिया के लिए वो शक्ति नष्ट हो जाएगी कह रहे हो। और असमवधानाभ्याम आ चंद्रकांत मणि को यदि हटा देंगे तो वहां पर शक्ति पैदा हो जाएगी बन्ही दाह क्रिया के लिए, जलाने के लिए, ठीक है? तब तभी अनंत शक्ति की कल्पना करनी पड़ेगी, है ना? वैसे अनंत शक्ति हो जाएगी। आ तद ध्वंस, और शक्ति का ध्वंस भी होगा फिर, है कि नहीं? चंद्रकांत मणि रख देंगे तो शक्ति गायब हो जाएगी, है कि नहीं? और जो है फिर जो है पैदा हो जाएगी, चंद्रकांत मणि को हटा देंगे तो शक्ति पैदा हो जाएगी। और शक्ति कब उत्पन्न होगी? जब शक्ति का प्रागभाव हो, है कि नहीं? जैसे मिट्टी में घट का प्रागभाव हो तो मिट्टी में घट उत्पन्न होगा, बराबर ना? अब पत्थर में घट की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है पत्थर में? क्योंकि पत्थर में घट का अभाव प्रागभाव नहीं है, ऐसा मानते हैं लोग है? जिस कार्य का प्रागभाव जहां पर रहेगा उसी में उत्पन्न होगा, धन में ये समझ लो। इसलिए मिट्टी में घट का क्या है? प्रागभाव है, गीली मिट्टी, वो भी रेतीली मिट्टी से घड़ा नहीं बनेगा, है कि नहीं? जो चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी हो, उस काली मिट्टी में घट का प्रागभाव है, रेतीली मिट्टी में घट का प्रागभाव नहीं है, है कि नहीं? पत्थर में नहीं है, जैसे तंतु में पट का प्रागभाव है इसलिए तंतु में पट बनेगा, है कि नहीं? मिट्टी में पट का प्रागभाव नहीं है इसलिए मिट्टी में पट नहीं उत्पन्न होगा, है ना? इसी प्रकार से यदि शक्ति की उत्पत्ति हो जाएगी, चंद्रकांत मणि को हटा देंगे तो बन्ही में शक्ति पैदा हो जाएगी, तो शक्ति की उत्पत्ति आप मानोगे तो शक्ति का प्रागभाव भी मानना पड़ेगा, हैं? तो ऐसी कल्पना करनी होगी। ऐसी कल्पना करने पर ऐसी कल्पना ठीक नहीं है, कल्पना यह अन्यत्वाद, ये अप्रामाणिक है। ये क्या है? अप्रामाणिक है। इसलिए तस्मात सप्तैव पदार्थ इति सिद्धम, ये सात ही पदार्थ है भाई वैशेषिक में, हैं? ये वैशेषिक सिद्धांत में सात ही पदार्थ है। चलो ये हो गया। अच्छा आगे देखो तो कितने पदार्थ हुए है? सात पदार्थ, ना छ है ना आठ है, ना कम है ना ज्यादा है, सात ही पदार्थ है। अच्छा उसके बाद आ रहा है
द्रव्य। तो पहला पदार्थ का नाम क्या है? द्रव्य। द्रव्य पहला पदार्थ है। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेयो वायु आकाश कालदिकात्म मनांसी नवेव। हाँ, म्यूट रहते ही पढ़ लो। हाँ, म्यूट नहीं खोलना है, म्यूट रहते ही पढ़ लो। कैसे पढ़ना है? तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेयो वायवाकाश कालधिक आत्मा मनांसे नवेव। हाँ, अब जुड़ गए बलजेंद्र जी। हाँ हाँ म्यूट करो। हाँ ठीक है ठीक। तत्र हाँ पुस्तक देखो है बजेंद्र जी। बालचंद्र जी पुस्तक देखिए, आपके पास भेजे हैं ना, वो देखिए। तो तत्र द्रव्याणि, पहला है पदार्थ का नाम द्रव्य। सात पदार्थ में पहला पदार्थ हो गया द्रव्य। तत्र का अर्थ पदार्थेषु, सप्त पदार्थेषु द्रव्याणि। हाँ, नवैव। द्रव्याणि कितने हैं? नवैव, नौ ही है। द्रव्याणि का अन्वय नवैव के साथ करो, यहाँ पर भी वही हो जाएगा। ना कम है ना ज्यादा है, द्रव्य नौ ही होते हैं। द्रव्य देखो, ये उद्देश्य प्रकरण चल रहा है ना, उद्देश्य प्रकरण। वो कहते हैं पृथ्वी पहला हो गया, उसके बाद अप, दूसरा है तेज, हाँ चौथा है वायु, आकाश, काल, उसके बाद दिक, दिक का मतलब दिशा, उसके बाद आत्मा, इसके बाद मन। आत्मा को भी लोग द्रव्य मानते हैं, नए के लोग द्रव्य द्रव्य। अच्छा पहले पदकृत्य लो, इसके ऊपर पदकृत्य है। हम लोग दो टीका चला रहे ना साथे साथ, एक है पदकृत्य, दूसरी क्या है? न्यायबुदनी। अच्छा पदकृत्य पहले देखेंगे, उसके बाद न्यायबुदनी देखेंगे, सरल पड़ेगा आप लोगों को। तत्र का अर्थ सप्त पदार्थ मध्ये इत्यर्थ। मिला राजू आपको? मिला? हाँ पदकृत्य, कहीं केवल प भी लिखा होगा, किसी किसी पूछते केवल प, पदक प मतलब पदकृत्य है। और न्याय, न्याय का अर्थ न्याय बोधिनी। तो पदकृत्य में देख लो, तत्र तत्र का अर्थ सप्त पदार्थ मध्ये। यहाँ पर तत्र में सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तम्यास्त्रल निर्धारण में, सात पदार्थों में से, सात पदार्थ में से। हाँ यतश्च निर्धारणे है ना, पाणिनि सूत्र, यतश्च निर्धारणे। हाँ तो सात पदार्थों में से द्रव्याणि नवैव इति अन्वय। ये जो मूल है ना, मूल मूल में जो तत्र के बाद द्रव्याणि शब्द आया, द्रव्याणि शब्द का अन्वय मतलब संबंध नवैव, नवैव का साथ करो, मतलब क्या हुआ? हाँ न्याय दर्शन में द्रव्य न ही होते हैं, ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं। ठीक है भाई। हाँ तत्र इति पदम चतुर्विंश गुणा इत्यादिना अपि अन्वेति। देखो यहाँ पर जो कह रहे हैं ना, ये तत्र शब्द आया, तत्र शब्द यहाँ पर जैसे है, ये तत्र शब्द की आगे अनुवृत्ति भी जाएगी, जैसे पाणिनि अष्टाध्याय में अनुवृत्ति जाती है ना, इसी में अगर आगे भी लेना है आगे के साथ, है ना, ऐसा हो जाएगा, गुण में भी लेना है ना। अच्छा आप कहते हैं द्रव्य का लक्षण करना चाहिए। लक्षणा प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही, आप लोग लिखे हो, वस्तु की सिद्धि लक्षण और प्रमाण से होती है। लक्षण बोलते हैं असाधारण धर्मो लक्षणम, है ना, असाधारण धर्मो लक्षणम। तो असाधारण धर्म लक्षण को बता रहे हैं, द्रव्यत्व जातिमत्वम एक लक्षण हो गया, याद करना भैया,
द्रव्य का लक्षण हो गया द्रव्यत्व जातिमत्वम, एक लक्षण। दूसरा है द्रव्य का लक्षण गुणवत्वम। तीसरा है समवाय कारणत्वम। तो कितने लक्षण हुए भाई? तीन लक्षण हो गए। कितने? तीन। किसके? द्रव्य के तीन लक्षण है ना। तो किसका लक्षण कर रहे हो? द्रव्य का लक्षण कर रहे हो। द्रव्य हो गया लक्ष्य है ना, और ये हो गया लक्षण। पहला लक्षण हो गया द्रव्यत्व जातिमत्तम, ये पहला लक्षण हो गया द्रव्यत्व जातिमत्तम। तो लक्षण को घटाने के लिए अभ्यास करना है। कैसे घटाना है? द्रव्य में जैसे मनुष्य का धर्म रहेगा मनुष्यत्व, ठीक है, द्रव्य का धर्म रहेगा द्रव्यत्व। तो द्रव्य कितने हैं भैया? नौ है, हैं? तो नौ में एक धर्म रहेगा जाति, जिसका नाम है उसको बोलेंगे द्रव्यत्व। मनुष्य अनेक है, हैं? उसमें मनुष्यत्व एक जाति रहेगी, हैं? पशु अनेक है, उसमें पशुत्व जाति रहेगी। गो अनेक है, उसमें गोत्व जाति रहेगी। इसमें का द्रव्य नौ है, इसलिए द्रव्यों में द्रव्यत्व जाति रहेगी, ठीक है, द्रव्यत्व जाति। और जाति मत, देखो जाति मत, जाति मत का अर्थ द्रव्यत्व जाति वाला, द्रव्यत्व जाति जिसमें रहेगी। जैसे मनुष्यत्व जाति रहेगी मनुष्य में, इसलिए मनुष्य को क्या बोलेंगे? मनुष्यत्व जातिमान। इसी प्रकार द्रव्य को बोलेंगे द्रव्यत्व जाति मत। नपुंसक हो तो जाति मत होगा। तो द्रव्यत्व जाति वाला, द्रव्यत्व जाति वाला कितना होगा? श्यामदेव, हाँ नौ हो जाएंगे, नौ हो जाएंगे, नौ हो जाएगा। तो द्रव्यत्व जाति मत बराबर नौ द्रव्य हो जाएंगे, और उसमें धर्म रहेगा द्रव्यत्व जाति मत्व। हाँ, शब्द का कमाल है और कुछ नहीं। द्रव्यत्व जातिमत हो गए सकल द्रव्य, न हो गए, और उसका धर्म हो जाएगा द्रव्यत्व जातिमत्वम। हाँ, द्रव्यत्व जातिमत्व ये जो लक्षण चला गया पूरे नौ द्रव्य में चला गया, है कि नहीं? अर्थात द्रव्यत्व जाति जिसमें रहेगी उसको कहेंगे द्रव्य, हो गया ना। अच्छा, उसके बाद दूसरा लक्षण है गुणवत्तम। ये भी दूसरा लक्षण करते हैं गुणवत्तम। गुणवत्त आगे त्व, गुणवत्त का अर्थ गुण जिसमें रहेगा। समवाय संबंध से ये लोग मानते हैं, हाँ, एक समवाय संबंध है भैया। जैसे मान लीजिए घट हो गया, घट अथवा पृथ्वी चल रही है, पृथ्वी भी घटी है, पृथ्वी घट है, हैं? तो घट में रूप है रक्त रूप, गुण हो गया रक्त रूप गुण हो गया, हैं? तो कहाँ पर समवाय संबंध से रहेगा? घट में रहेगा। गुणा और गुणी में समवाय संबंध मानते हैं लोग, ठीक है, नित्य संबंध। अब बताएंगे, घबराओ ना। गुणा और गुणी है ना, मतलब गुणा और द्रव्य समझ लो। गुणा और द्रव्य में समवाय संबंध माना जाता है, ठीक है, इसलिए गुणा समवाय संबंध से रहेगा। जैसे मान लीजिए, हैं, जैसे पुस्तक को हाथ में रख दिया, यहाँ पर एक संबंध है दोनों में, क्या संबंध होगा? संयोग संबंध होगा। संयोग संबंध से पुस्तक रहेगी कहाँ? रहेगी हस्त में, तो संयोग के संबंध होगा, हाँ, है ना। लेकिन गुणा और द्रव्य में हैं संयोग संबंध नहीं मानते हैं, समवाय संबंध ये लोग मानते हैं, ठीक है भैया। जैसे घट का रूप हो गया रक्त लाल, हैं, वो हो गया गुणा, 24 गुण मानते हैं लोग, ठीक है। वो 24 गुण जो है, हैं, कोई भी गुण हो, गुणा अपने अधिकरण में अपने आश्रय द्रव्य में, जैसे घट का रूप अपना आश्रय घट द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, इसलिए गुणवत्त लक्षण। देखो गुणवत्त का अर्थ गुण समवाय संबंध से गुण जहाँ पर रहेगा उसको कहेंगे गुणवत्त। तो गुणवत्त कितने हो जाएंगे? नौ।
ये पृथ्वी से लेकर के मान पर्यंत सभी में कोई ना कोई गुण रहता है। अब बताएंगे कोई ना कोई गुण रहेगा, पृथ्वी में भी रहता है, आपका जल में भी, पृथ्वी अब जल में भी रहेगा, जल में गुण रहता है कि नहीं, है ना? क्या गुण रहता है जल में? रूप रहेगा, रस रहेगा, गंध। अरे भाई जल में गंध है? नहीं है, नहीं नहीं है, ठीक है? आए? नहीं, सौंबा सा खुद का नहीं है, है ना? हाँ, खुद का गंध नहीं, लेकिन गुण तो है जल में, कोई ना कोई रस है, रस तो रहेगा, रस तो रहेगा ना जल में, स्वाभाविक समझ से कोई ना कोई गुण मिलेगा द्रव्यों में। इसी प्रकार तेज में भी रहेगा, तेज में भी रूप रहता है, स्पर्श रहता है, वायु में भी रहता है गुण, लेकिन आकाश में भी गुण रहता है, शब्द रहेगा आकाश में। उसी प्रकार काल में भी कोई ना कोई गुण रहेगा, काल में कौन सा गुण रहेगा कोई बोलो? रूप रहेगा काल में, है? क्या काल में क्या गुण रहेगा, कौन बोल सकते हैं बोलो? काल में क्या गुण रहेगा? कौन सा परत्व अपरत्व होगा? परत्व अपरत्व क्या होगा उसमें? सुनो मेरी बात, सुनो, म्यूट करो, सुनो। तो काल में, हाँ म्यूट कर लो, काल में रहेगा महत परिमाण रहेगा, क्या रहेगा? काल में महत परिमाण रहेगा, महत परिमाण मतलब व्यापक है कि व्यापकता, महत परिमाण एक गुण काल में रहता है, हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है? इसी प्रकार आत्मा में तो भाई सुख दुख इच्छा ये सब तो आत्मा में मानते हैं लोग, और महत परिमाण भी रहेगा, है ना? और आपके मन में, मन में क्या रहेगा कौन बोल सकते हैं? बोलो रामेश्वर, बोलो जल्दी। नहीं नहीं, नया लोग, नया के लोग संशय नहीं मानते हैं। आप वेदा कहा मन में सुख दुख नहीं रहता है, तुम वेदांत है ना, तो खिचड़ी ना करो। तो बोल तुम वेदांति हो, न्याय की धड़ से बोल दिया, तुम वेदांति हो? हाँ, बोले हाँ, ऐसा पूछ लेगा नहीं है? हाँ, बोले तुम ना बोलो, बोल देगा हाँ, तो तुम्हारे में वेदांत का संस्कार है। तो मन में क्या गुण रहेगा बोलो? अरे भाई मन में भी गुण रहेगा, मन में रहेगा परत्व, परत्व रहेगा, क्या रहेगा? परत्व, परत्व रहेगा, और अणु परिमाण रहेगा, क्या रहेगा? अणु परिमाण रहेगा मन में, है कि नहीं? मन को सूक्ष्म मानते नहीं लोग, तो अणु परिमाण रहेगा, ये सब गुण, अर्थात कोई ना कोई गुण रहता है द्रव्य में समवाय संबंध से, इसलिए गुणवत्तम, गुणवत्त हो गया ना द्रव्य, उसका धर्म हो जाए गुणवत्व, गुणवत्व पूरे नौ द्रव्य में चला जाएगा, लक्षण घट गया। अच्छा, और एक तीसरा लक्षण है द्रव्य का भाई, समवाय कारणत्म, तीन प्रकार कारण मानते हैं लोग, नहीं है लोग, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण मानते हैं, और समवाय कारण हमेशा द्रव्य होता है ये लोग मानते हैं, समवाय कारण हमेशा द्रव्य ही होता है ना? जैसे मान लीजिए घट के प्रति मिट्टी, जिस मिट्टी से घड़ा बनता है, कोई भी मिट्टी नहीं, जिस मिट्टी से घड़ा बनता है वह मिट्टी घट के प्रति समवाय कारण होता है, ठीक है? निमित्त कारण तो कुलाल जो बनाने वाला कुंभार, एक दंड है, चक्र है, जहाँ पर ऐसे घड़े को घुमाते हैं, ये सब निमित्त कारण हो जाएगा। और असमवाय कारण क्या होगा? दो कपाल का संयोग है ना, एक एक टुकड़ा बना दिया ऐसे गोल करके, एक टुकड़ा बना दिया ऐसे करके, दोनों को जोड़ दिया, ये जो कपाल द्वय का संयोग है ये घट के प्रति असमवाय कारण होता है, धन में ना, ऐसा मानते हैं, वो संयोग गुण हो जाएगा, ठीक है? तो घट के प्रति जैसे मिट्टी समवाय कारण हुआ, मिट्टी क्या है? पार्थिव पदार्थ है। तो इनका सिद्धांत है कि समवाय कारण हो जाएगा द्रव्य, हमेशा द्रव्य को ही समवाय कारण मानते हैं,
इसलिए समवाय कारणत्वम, समवाय कारणत्वम, समवाय कारण का धर्म होगा समवाय कारणत्वम, समवाय कारणत्व द्रव्य में चला जाएगा, ये लक्षण हो गया, तीन लक्षण हो गए। हैं देखें, देखो द्रव्य सामान्य लक्षणम, ये कोई भी द्रव्य का हो ये लक्षण हो जाएगा। पहला लक्षण है द्रव्यत्व जातिमत्तम, दूसरा है गुणवत्तम, तीसरा है समवाय कारणत्वम, ये तीन हो गए। ठीक है भैया, हाँ ऐसा हो गया। फिर उसके बाद कहते हैं ये पदकृत्य हो गया, पदकृत्य के बाद क्या होता है न्यायबुधिनी होती, न्यायबुधिनी है। अच्छा अब न्यायबुधिनी बड़ा सुंदर विचार आ रहा है, वो कहते हैं हाँ फिर कल करेंगे, कल करेंगे, हाँ हाँ लेट चलो कहते, कल कर लेंगे भैया, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल जो समा कल, सुनो सुनो सब लोग, कल जो है आप लोग सवा आठ होता है ना, तो दो मिनट, हाँ दो मिनट पहले आप लोग जोड़ जाना, दो मिनट पहले, ठीक है। हाँ इसी गूगल गूगल मीट में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।